मैं आकुलता निरंतर करता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे सुख मिले, जबकि सुख तो निराकुलता में है। वास्तव में मोक्ष का स्वरूप तो यही है। जितनी निराकुलता, आचार्य ने एक बार कहा था बहुत पहले, वो सेंटेंस मेरे लिए आज तक गूंजता है 87 में। वो मैंने पहली बार प्रवचन सुने थे आचार्य के, उसमें आखिरी दिन प्रवचन में ये था कि जितनी निराकुलता आज है उतना मोक्ष आज भी है। हम जितने निराकुल हैं उतने मुक्त हम आज भी। तो निराकुलता में सुख है, जबकि मैं निराकुलता में सुख मानता नहीं हूँ, आकुलता में सुख मानता हूँ। इस चीज की आकुलता कर लूँ, इस चीज को पालू। तो कहते शिव रूप निराकुलता न जोए, मैं कभी भी जो सुख रूप निराकुलता है उसके लिए प्रयास ही नहीं करता हूँ। इसका अर्थ है कि मैं अपनी मुक्ति के बारे में भी भ्रमित हूँ, मैं मुक्ति चाहता नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था कि हम लोग बहुत सारी बातें भगवान की कही हुई जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में एक भी नहीं आती। और ये इससे मुझे सात तत्वों के की भूल से मुझे लग रहा है कि अगर ये भूल सुधर जाती है तो व्यक्ति चारित्रवान हुए बिना नहीं रहेगा, अकेला सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक चारित्री हो जाएगा। क्योंकि वो इच्छाओं को रोक रहा है अगर, तो चारित्र ही है। चारित्र के बिना इच्छाएं नहीं रुकती है, संयम के बिना इच्छा नहीं रुकती है, संयम के बिना निराकुलता नहीं रुकती है, राग द्वेष घटते नहीं है। तो इसलिए परिभाषा एक जगह लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि राग द्वेष घटावने की श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन, और राग द्वेष घटावने के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है, और राग द्वेष घटावने के आचरण का क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र है, और कोई अलग से चीज नहीं है। इसका मतलब है कुल सारी चीजें राग द्वेष को घटाने के लिए है। इस तरह हम सातों तत्वों के बारे में पिछले दिनों समझ चुके हैं। इन जो सात तत्व हैं, इनके बारे में मेरी भूल ही मेरे संसार भ्रमण का कारण है, पहली बात। और इन जुत विषयन में जो प्रवण, और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ, इस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ जो मेरी विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, विषय मतलब पांच इंद्रियों के विषय, जिनको इंद्रिय अपना सब्जेक्ट कहना चाहिए विषय को, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो अपन है, आत्मा ऑब्जेक्ट है ये सारे। तो पांचों इंद्रियों के पकड़ में आने वाले जो पदार्थ हैं, ये कहलाते हैं विषय। विषय की परिभाषा इतनी, जो इंद्रियों का के द्वारा जानने में आए वो सब विषय है, या जो इंद्रियों के क्या उसको शब्द भोग, हाँ इंद्रियों के द्वारा भोगे गए, ये इंद्रियों के भोग पदार्थों को ही जो है विषय कहते हैं। पांचों इंद्रियों के अलग अलग भोग पदार्थ हैं, देखना पसंद करती है, कान सुनना पसंद करते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए पांचों के पांच विषय हैं। इन विषयों में मैं प्रवृत्त हो जाता हूँ, इन लाइनों से क्या अर्थ निकालना, देखिएगा इतनी छोटी, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, इस प्रकार की धारणा के साथ जो पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त है वो जो है वो मिथ्या चारित्र। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर पांचों इंद्रियों के विषय में हम प्रवृत्त हैं तो वो मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, इसीलिए कहते हैं कि जो वितराग सम्यक दृष्टि है उसकी उसके भोग भी कर्मों की निद्रा के कारण बनते हैं, क्योंकि वो पांचों इंद्रियों के पदार्थों को ग्रहण करते हुए भी नहीं ग्रहण करता। पश्यन अपि न पश्यति, भ्रूवन अपि न भ्रूयते, देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता, खाते हुए नहीं खाता। इसका मतलब है कि उसका भीतर में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब वो मजबूरी है कि पांचों इंद्रियों के विषय बन रहे हैं, मैं क्या करूं, आंख बंद कर लूंगा, बंद करने से थोड़ी होगा, आंख तो खुली है, आंख से सारी चीजें दिख रही है, लेकिन अब वो चीज नहीं है। एटीट्यूड चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो जाने से सारा कुछ बदल जाता, व्यवहार बदल जाता। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस तरह के भ्रम के साथ पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होता हूँ तो ये मेरा मिथ्या चारित्र है। और यो मिथ्यात्वादी, ये इस प्रकार से हमेशा से बाई बर्थ कहना चाहिए, या कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग जब से हम हैं तब से ये तीनों हमारे कॉन्सेप्ट में भी गड़बड़ी, हमारे नॉलेज में भी, नोइंग में भी है, और हमारे एक्शन में भी, तीनों में जो है गड़बड़ी है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से। यही हमारी अज्ञानता में तीनों चीज शामिल कर रहे हैं, अज्ञानता में मिथ्या दर्शन भी शामिल कर रहे हैं, अज्ञानता में मिथ्या ज्ञान भी शामिल कर रहे हैं, मिथ्या चारित्र भी शामिल कर रहे हैं, सब अज्ञानता, क्योंकि एक बिगड़ा है तो सब बिगड़ गया। बहुत मीठा लड्डू है लेकिन उसमें विष जल गया है, आप बताइए क्या करिएगा, उसका कहीं भी अच्छा हो। तो मुंह के बारे में यही है कि सबसे खतरनाक क्यों मुंह माना गया है, क्योंकि वो पूरे उसको विषाक्त कर देता है। लड्डू हमको पूरा नहीं मिला, थोड़ा सा मिल गया तो भी ठीक है, दो दाने भी नुक्ति के मिल गए हैं पर विष नहीं है तो भी ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान मिल गया है, थोड़ा सा दर्शन
मिल गया है, थोड़ी सी अंतराय कक्षोपम होने से थोड़ा सा हमें शक्ति मिल गई है या भोग की सामग्री मिल गई, ये तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म खतरनाक नहीं है, घातिया कर्म उसको सबसे खतरनाक नहीं है, क्योंकि लड्डू तो पूरा है, प्रवेश मिला हमारे कहीं, पेट वेट तो भरना दूर हुआ। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होने की वजह से हम संसार में भटक रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब कहते हैं कि और क्या हमारी गड़बड़ी है जो कि हमने यहाँ संसार में आकर के और ग्रहण कर ली है। ये तो हमको कुछ चीजें हैं जो कि बाई नेचर अभी तक हमें मिली हुई थी, इनके बारे में भी हमने समझ लिया कि बाई नेचर तो हम इस तरह के ब्रह्म थे वो